हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर। वी आर स्टडिंग इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूज एंड देयर इज सम मोर मैक्सिम फॉर यू। तो मैक्सिम है आपके पास कैजिस ओमिसिस, इसको पढ़ेंगे हम। दूसरा है हमारे पास कॉन्टेम्प्रोरिया एक्सपोस्टियो ईस्ट फोर्टिसिमा इन द लेगी। ये हमारे पास दो मैक्सिम है जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास है कैजिस ओमिसिस। This is an important principle of interpretation. This means the shortcoming of the constitution cannot be filled by the court. ये बहुत important बात है कि जो भी कमियाँ legislation ने कानून बनाने के time पर की हैं या constitution में जो कमियाँ हैं, ये court के through fulfill नहीं की जाएंगी। Court इनको नहीं भरेगा, court को कानून नहीं बनाएगा। It is the duty of the court to take the literal grammatical meaning of the word used in the interpretation of the constitution. जब भी court इंटरप्रिटेशन करती है या कंस्ट्रक्शन करती है, तो उस टाइम पे ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उसका लिटरल और ग्रामेटिकल मीनिंग निकालती है उस वर्ड का, ना कि नया लॉ वहाँ पे बनाती है। द कोर्ट कैन नॉट कंसिडर द मेरिट ऑफ द स्टैट्यूट। कोर्ट का काम ये देखना नहीं है कि उस लॉ के क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट हैं, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नो वर्ड्स कैन बी एडेड। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कोर्ट के पास ना तो कोई ऐसी पावर है, ना ही वो किसी वर्ड को कोई ऐड कर सकता है, ना ही किसी वर्ड को वो रिमूव कर सकता है। किसी डिफेक्ट को वो किसी वर्ड को ऐड करके या उसमें रिमूव करके अच्छा नहीं कर सकता। इट इज़ अ प्रिंसिपल कैजिस ओमिसिस। तो कैजिस ओमिसिस का मतलब यही है कि दिस इज़ नॉट द पावर ऑफ द कोर्ट टू मेक द लॉ। उसकी ये पावर में नहीं आते कि लॉ को मेक करे। उसका काम तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन करना है, उसके ट्रू सेंस को निकालना है, उसका लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग बाहर निकालना है, उसके जो है किसी तरीके के उसमें कोई नया वर्ड ऐड नहीं करना है। तो शॉर्ट कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ को पूरा करना कोर्ट का काम नहीं, ये बोला गया है। शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नागपुर वर्सेस मैसेज स्वराज डेवलपर्स AR 2003 सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। द प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द कोर्ट कंसिडर इट इज़ टू बी नेसेसरी। ये प्रिंसिपल तभी यूज़ किया जाएगा कोर्ट को जब ये लगता है कि जरूरी है। तो ये कैजिस ओमिसिस आपके पास। दूसरा आपके पास कॉन्टेम्प्रोनिया एक्सपोस्टियो ईस्ट फोर्टिसिमा इन लेगी जो आपके पास प्रिंसिपल है, ये क्या बोलता है। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स। अकॉर्डिंग टू दिस द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इज दैट विच इज ऑब्टेन बाय देन एक्सपर्ट। किसी भी डॉक्यूमेंट की बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी, जो एक्सपर्ट ने की है, जो उसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो की है वही उसकी एक्सप्लेनेशन मानी जाएगी, वो उसकी इंटरप्रिटेशन मानी जाएगी। इफ़ दीज आर एक्सपर्ट इनेक्टमेंट जुडिशियल रूलिंग, अगर ये जो एक्सपर्ट हैं ये लॉ बनाते हैं या जुडिशियल रूलिंग देंगे, तो इनके इफेक्ट बाइंडिंग होंगे, मीन्स इनकी इंटरप्रिटेशन बेटर होगी। वेयर एन इंटरप्रिटेशन इज ऑब्टेन बाय द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस, अगर कोई इंटरप्रिटेशन जो है लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस के थ्रू दी जा रही है, इट शुड बी एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इवन इफ इट इज़ डिफरेंट इन द जनरल पॉपुलर सेंस। हालांकि ये पॉपुलर सेंस में जनरल सेंस में डिफरेंट हो, लेकिन अगर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है एक्सपर्ट दे रहे हैं, या फिर जो है एक्सपर्ट जो है वो जुडिशल रूलिंग के एक्सपर्ट हैं, तो उनकी इंटरप्रिटेशन जो होगी उसको वैलिड माना जाएगा, यही ये रूल बोलता है। द जनरल रूल इज दैट द वर्ड ऑफ द स्टैट्यूट मस्ट बी अंडरस्टूड इन द सेंस एट द टाइम व्हेन इट इज़ पास्ड। तो जनरल रूल यही बोलता है कि कोई भी स्टैट्यूट को जब अंडरस्टैंड करना हो, उसके सेंस को अंडरस्टैंड करना हो, तो सेंस एट उसकी उसको तब देखा जब वो पास किया गया था, उस सेंस में उसको जो है पढ़ना चाहिए। उस टाइम की सरकमस्टांसेस क्या थे, उन सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है उस लॉ को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी इंटरप्रिटेशन को देखना चाहिए। मैक्सिमल इट इज़ सेड दैट द बेस्ट एक्सपोजिशन ऑफ द स्टैट्यूट और एनी अदर डॉक्यूमेंट इज दैट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी अथॉरिटी वेयर दिस हैज़ गिवन बाय द एनेक्टमेंट ऑफ जुडिशियल डिसीजन इट इज़ सो द कोर्स ऑफ द कंक्लूसिव। तो जब कोई एक्ट बनाया गया है उस टाइम पे, उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी अथॉरिटी है उसकी इंटरप्रिटेशन, और जब किसी भी स्टैट्यूट की जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की गई थी, उस पर डिसीजन दिया गया था, उसके उस टाइम पे ही जो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी अथॉरिटी को ही बेटर मानना चाहिए, उनकी इंटरप्रिटेशन को ही बेटर मानना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। मैसेज JK कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इसमें यही बोला गया है। कॉन्टेम्प्रोनिया एक्सपिस्टो ईस्ट फोर्टिनिसा इन द लेगीज इज़ अ
एप्लीकेबल ओनली द इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशंट मैथड. ये एंशंट टाइम पे ये चीज़ वैलिड होती थी. इट कैन नॉट अप्लाइड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मॉडर्न लॉ लाइक अ सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1954. ये आज के मॉडर्न एक्ट पे अप्लाई जनरली नहीं होता है. द सेम व्यू हैज़ बिन डिस्क्राइब बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ MS दही पैक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में यही बात बोलेगी कि ये ओल्डेस्ट टाइम में ये पॉसिबल था लेकिन आज मॉडर्न टाइम में ये पॉसिबल नहीं है. आज जो लॉ होता है उसको उसी सेंस में जो है जनरली यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कुछ और मैगजीन आपके पास है, जस्ट डिक्रे एंड जस्ट डियर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है जिसको आपने पढ़ना है. इट इज़ द इंपॉर्टेंट मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स. दिस मैक्सिम और प्रिंसिपल मीन्स द ड्यूटी ऑफ द जजेस इज टू डिक्लेयर द लॉ नॉट द लॉ मेकिंग. तो जज की ड्यूटी लॉ को डिक्लेयर करना होता है, उसके इंटरप्रिटेशन करना होता है, लॉ को बनाना नहीं होता है. दस द प्रिंसिपल डिटरमाइंस द एरिया ऑफ द वर्किंग ऑफ द जज. तो ये प्रिंसिपल जो है जस्ट डिक्रे एंड द जस्ट डियर जो है जजेस की जो पावर होती है, जजेस का जो काम होता है उसका क्षेत्र जो होता है उसको डिसाइड करता है. इट इज़ वेल इस्टेब्लिश रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट वेद द लैंग्वेज द स्टैट्यूट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस द लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग इज अडॉप्टेड. तो ये क्लियर रूल आपने पहले ही पढ़ा, इंटरप्रिटेशन का रूल है कि जहाँ पे किसी भी कानून की जो भाषा है वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, तो उसका लिटरल ग्रामेटिकल मीनिंग ही अडॉप्ट करना चाहिए. जज कैन नॉट इमेजिन दैट द समथिंग हैज़ been left out in the law or some unnecessary things has been included. तो जज को ये नहीं करना चाहिए, उसको ये इमेजिन नहीं करना चाहिए कुछ वहाँ पर छूट गया है या कुछ अननेसेसरी तरीके से वहाँ पर इंक्लूड करने की जरूरत है. जज कैन नाइदर एड एनी थिंग नॉर रिमूव एनी थिंग फॉर द स्टैट्यूट ऑफ द रिसोर्स. जज ना तो उस स्टैट्यूट के अंदर ना तो कुछ ऐड कर सकता है ना ही उससे कुछ रिमूव कर सकता है अपने बल पर. जज कैन हाउ एवर अल्टर टू सम एक्सटेंट वैन द स्टैट्यूट इज गिविंग अनरीजनेबल. जज तभी ऐसा कर सकता है जब वो स्टैट्यूट जो है अनरीजनेबल हो, इनकन्सिस्टेंट हो, एक से ज़्यादा मीनिंग वहाँ पर दे रहा हो. द जस्ट डिकेयर एंड द जस्ट डियर प्रेजेंट द एट फैक्ट ओनली. तो मिर्जा वसी जहानदरम का केस है. लाहौर हाई कोर्ट सेड दैट द ड्यूटी ऑफ द जजेस इज टू डिक्लेयर लॉ नॉट मेकिंग. तो वही चीज़ यहाँ पे फिर बोली गई है. प्रेमनाथ का केस है. हाई कोर्ट हेल्ड दैट द ड्यूटी ऑफ द जजेस इज टू इंटरप्रेट द लॉ नॉट टू फ्रेम द लॉ. यहाँ पे ये बोला गया कि जज का काम जो है लॉ को इंटरप्रेट करना है, उसको फ्रेम करना नहीं, उसको बनाना नहीं है. जस्टिस विल्स ऑल्सो से दैट द जजेस एक्ट एज कोर्ट ऑफ अपील ऑफ द पार्लियामेंट. तो जज जो है कोर्ट ऑफ अपील ऑफ पार्लियामेंट की तरह जो है एक्ट करता है. रामचंद्र घोष वर्सेस कुमंद मोहन दत्त का केस है. इट वॉज डिटर्मिन दैट द ड्यूटी ऑफ जजेस इज लाइक लॉ एंड इट शुड बी कंसिडर्ड सिमिलरली. दे कैन नॉट एग्जैक्ट अ बेटर लॉ कंपेरेटिवली. तो वो लॉ को जो है वहाँ पर बनाएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है. लॉ को कंपेयर नहीं करेगा, उसका काम सिर्फ उसको कंस्ट्रूड करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन करना वहाँ पे है. इन अ केस इट वॉज सेड दैट द एक्सटेंट द इफ इट अपेयर टू द जज दैट एनी इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैज़ बीन लेफ्ट आउट ऑफ द स्टैट्यूट और द प्रोविजन हैज़ ट्रांसफर्ड बाय द मिस्टेक ऑफ द ड्राफ्टर और हैज़ बीन लेफ्ट आउट देन द ऑल्सो द कोर्ट इज़ नॉट फ्री टू इनेक्ट पॉसिबल लॉ और अमेंडेड. हालांकि ये भी बोला गया है कि अगर किसी भी स्टैट्यूट में अगर जज को ये लगता है कि वहाँ पे कोई मिस्टेक है या ड्राफ्टर कोई चीज़ को जो भूल गए तब भी जो है कोर्ट फ्री नहीं है उसमें किसी तरीके की अमेंड करने को, लॉ को बनाने में. अबू बकर वसी कुन हो कोतियाली कोतवाली का केस है. यहाँ पे द प्रिंसिपल हैज़ बीन वेल एक्सप्लेन्ड. मलयालम कम्युनिटी इज़ अ डेवलपिंग कम्युनिटी ऑफ द साउथ इंडिया बट इज़ अनसेटिस्फाइड विद द फैमिली लॉज एंड कस्टम. तो मलयालम कम्युनिटी की बात की जा रही है, डेवलपिंग कम्युनिटी है लेकिन उसके जो फैमिली लॉज हैं, कस्टम है, उनसे वो अनसेटिस्फाई है, सेटिस्फाई नहीं है उसे. दीज लॉ आर अनसफिशेंट फॉर देम इन प्रेजेंट सर्कमस्टांस. जो जो कस्टम और ट्रेडिशन उनके हैं वो अनसफिशेंट है. ऑल कैन हैव पिटी बट द जज कैन नॉट अल्टर द. हाँ, हालांकि ये दयनीय स्थिति है लेकिन जज के पास अगर वो केस आता है तो वो लॉ को अल्टर नहीं कर सकता, उन कस्टम को, ट्रेडिशन को कस्टम नहीं कर सकता, नहीं बना सकता है. इवन दो दे आर अगेंस्ट द पब्लिक फीलिंग जज ड्यूटीज टू इंप्लीमेंट दीज लॉ. उसका हालांकि ये पब्लिक सेंटिमेंट के अगेंस्ट होगा, उस कम्युनिटी के अगेंस्ट होगा लेकिन फिर भी वो कस्टम और जो लॉ है उनको जजेस को इंप्लीमेंट करना ही होगा. वो लॉ जो उस कम्युनिटी के हैं उनको इंप्लीमेंट करना ही होगा, वो किसी तरीके से लॉ फ्रेम वहाँ पे नहीं कर सकता है क्योंकि ये ड्यूटी तो जो है लेजिस्लेशन की है, लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो इस काम को करेगी. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेसम फेसिट सिसियर टेरिटम का केस.
मैक्सिम है, दिस इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन. द प्रिंसिपल मीन्स द डायरेक्ट वर्ड सीजेस एन अटैक्ड मीनिंग. इन अदर वर्ड इट कुड बी सेड दैट एनी थिंग इ रिलेटेड टू अदर देन डायरेक्ट मैंशन इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिम. अगर कोई चीज़ डायरेक्ट है और उस पर कोई अटैक हो रहा है या किसी तरीके की वहाँ पर कोई उसकी कमजोरी सामने आती है, तो उसको हमें ख़त्म करना चाहिए. वेयर एनी विल प्रोवाइड दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी एबल टू सेल एनी लैंड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, दे ही विल नॉट बी एबल टू यूज़ अ स्पेसिफिक पावर एज अ जनरल पावर टू सेल द कम्प्लीट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन. तो जहाँ पर कोई विल बनाई गई और एग्जीक्यूटिव को ये पावर दी गई कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ज़मीन को सेंड कर सकता है, देर ही विल नॉट एबल टू यूज़ स्पेसिफिक पावर एज अ जनरल. तो उस पावर स्पेसिफिक पावर को जनरल पावर के तरह यूज़ करके उस प्रॉपर्टी को कभी भी ऐसे भी किसी को नहीं बेच सकता, उस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसको बेचना होगा. तो डायरेक्ट वर्ड अगर वहाँ पे लिखे हैं तो जो अटैक्ड वर्ड होंगे उनको सीज कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा. अगर डायरेक्ट वर्ड यहाँ पे लिखा होगा कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई ज़मीन बेचनी है तभी आप बेच सकते हैं, उस स्पेसिफिक पावर का आप जनरल पावर की तरह यूज़ ना करके उसको कभी भी ज़मीन को बेच नहीं सकते, उस जो स्पेसिफिक पर्पज़ होगा तभी आप उसको बेच सकते हैं. इसके अलावा है जूरे नेचुरल संट इमांटोबिलिया, दिस प्रिंसिपल इंटेंडर द नेचुरल लॉ इज़ अन इन्फोर्सिबल. जो नेचुरल लॉ होते हैं वो इन्फोर्सिबल होते हैं. नेचुरल लॉ आपने पहले ही पढ़ा है जिसमें जो है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वहाँ पे होगा. ये जो होते हैं कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं और ये हमेशा गाइड का काम करते हैं. यही चीज़ इसमें बताई गई है. आगे आपके पास नॉल्यूम कैरिमोन सिने लेगी न्यूला प्यूना सिने लेगी. तो ये प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड एक प्रोविजन यहाँ पे, एक मैक्सिम वहाँ पे है. नो ऑफेंस शैल कंसिडर टू बी पनिशेबल अनलेस देयर इज अ लॉ इन एग्जिस्टेंस रिलेशन टू दैट ऑफेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसी ऑफेंस के लिए अंडर पनिशेबल होंगे जो एक्ट आपके उस लॉ के अंडर पनिशेबल बता रखा है. आपका कोई एक्ट जो कि क्रिमिनल लॉ के अंडर पनिशेबल एक्ट है तभी आपको सजा होगी. अगर आपका एक्ट जो है उस क्रिमिनल लॉ में डिफाइन नहीं कर रखा है या उसका जिक्र नहीं कर रखा है तो वो आपका एक्ट जो है पनिशेबल एक्ट नहीं माना जाएगा. यही जो है इसका मतलब है. नॉल्यूम क्रिमोन सिने लेगी नोला प्यूना सिने लेगी का मतलब है इन अदर वर्ड्स इट कुड बी सेड दैट एनी एक्ट शैल बी कंसिडर्ड पनिशेबल ओनली वेन अ लॉ विच डिक्लेयर सच एक्ट इज एन ऑफेंस. तो कोई भी एक्ट तभी पनिशेबल एक्ट माना जाएगा जब लॉ उस एक्ट को जो है ऑफेंस डिक्लेयर करता है. ठीक है जी. इट कैन बी प्रेजेंट एज एनी एक्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड ऑफेंस आफ्टर द कमीशन. किसी भी एक्ट को उस एक्ट के हो जाने के बाद जो है एक ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है. दिस मीन्स दैट द पिनल लॉ कैन नॉट अप्लाइड विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. तो आपने पिनल कोड में देखा भी होगा जो आईपीसी के अंडर 511 सेक्शन है वहाँ पे जितने भी जो है क्राइम लिख रखे हैं वो कोई ना कोई एक्ट है जिनको क्राइम मान रखा है. इसके अलावा कोई ऐसा एक्ट होता है जो कि आईपीसी के अंडर क्राइम नहीं लिख रखा तो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं. तो यही बोला गया है कि जो पिनल लॉ है उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे यूज़ नहीं किया जा सकता. दिस प्रिंसिपल वॉज फॉलोड एंड प्रोपोंडेड इन द नर्मनसिंगबर्ग ट्रायल. इट वॉज दैट एनी इवेंट विच हैज़ बीन कमिटेड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आफ्टरवर्ड बाई इनेक्टिंग अ लॉ एज अ पनिशेबल. अगर कोई भी इवेंट जो है जो कमिट हुआ है वो एक ऑफेंस नहीं था लेकिन उस ऑफेंस होने के बाद जो है उसको एक ऑफेंस बना के उस पर एक लॉ बना के फिर आपको पनिश किया जाता है तो ये सिविलाइज सोसाइटी में नहीं चलेगा. इसी को क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ये होता है कि जो जिस एक्ट को अभी तक आपने क्राइम नहीं माना है और वो एक्ट होता है तो आप उसको इसको पनिश नहीं कर सकते. आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो एक्ट अभी तक एक क्राइम नहीं था अब उस पर एक नया लॉ ला के उसको एक पनिशेबल एक्ट बना के क्राइम बना के फिर किसी को दंडित करें तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. ये आप नहीं कर सकते हैं, ये सिविलाइज सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है. थैंक यू सो मच.